हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। इस वीडियो में हम लोग एक पर्शियन यात्री अब्दुल रजाक के बारे में जानेंगे कि वो भारत में कब आए और उन्होंने भारत के बारे में अपनी किताब में क्या क्या लिखा और उन्होंने उस समय भारत के बारे में क्या क्या समझा और यहाँ की संस्कृति के बारे में क्या क्या देखा। अब्दुल रजाक का जन्म 7 नवंबर 1413 को पर्शिया में हुआ था और इनके पिता का नाम जलाल उद्दीन इशाक था, जो राजा मिर्जा शाहरुख के दरबार में एक काजी और इमाम के पद पर थे। रजाक ने अपनी शिक्षा अपने पिता और बड़े भाई शरीफ उद्दीन अब्दुल के साथ की थी। 1437 में रजाक के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद रजाक को मिर्जा शाहरुख के दरबार में उनके स्थान पर काजी नियुक्त कर दिया गया। एक दिन मिर्जा शाहरुख के मन में भारत की शासन व्यवस्था और वहाँ की संस्कृति और लोगों के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए वो भारत में अपना एक राजदूत भेजना चाहते थे, जिसके लिए मिर्जा ने रजाक को चुना। रजाक शुरुआती दौर में यात्राएं करने से डरते थे, क्योंकि ऐसी ही एक यात्रा में उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण रजाक ने भारत की यात्रा करने से मना कर दिया था। लेकिन राजा मिर्जा ने रजाक को बहुत समझाया और भरोसा दिलाया, जिससे रजाक भारत यात्रा करने के लिए राज़ी हो गए। फिर इसके बाद रजाक ने अपनी यात्रा शुरू की। 1442 में रजाक ने भारत की यात्रा की शुरुआत के लिए पहले हैरात से सड़क के रास्ते होते हुए होरबुज पहुँचे। इसके बाद होरबुज से समुद्री रास्ते होते हुए बोट पर कोहिकूर पहुँचे, जहाँ पर जमोरिन का शासन था। वहाँ पहुँच कर रजाक जमोरिन के दरबार में गए। वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सबने एक समान वेशभूषा धारण की हुई है। राजा और वहाँ के निवासियों के कपड़े लगभग एक समान थे, जिसमें कोई खास फर्क नहीं दिख रहा था। ठीक है, जमोरिन के दरबार में रजाक लगभग 6 महीने तक रहे। राजा मिर्जा शाहरुख ने रजाक को भारत की संस्कृति, प्रशासन व्यवस्था और वहाँ के लोगों के बारे में अच्छे से जानने के लिए भेजा था, लेकिन रजाक यहाँ पर जमोरिन के शासन में या उनके दरबार से कुछ खास जानकारी उनको नहीं मिल पा रही थी, जिससे उनको न भारत की संस्कृति न राजव्यवस्था के बारे में कोई जानकारी मिल रही थी। रजाक को कोई सफलता हासिल नहीं होने के बाद रजाक को ऐसा लगने लगा था कि उनका यहाँ आना बेकार हो गया है और वो यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और कुछ भी पता नहीं कर पाएंगे। रजाक वापस अपने घर जाने के लिए रवाना होने के बारे में भी सोचने लग गए थे, मगर रजाक के भारत में होने की खबर विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय तक पहुंच गई थी और देवराय ने रजाक को अपने दरबार में आने का न्योता दिया और निमंत्रण भेजा। देवराय द्वितीय भी मिर्जा शाहरुख के प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा निमंत्रण भेजा, जिसका मौका उन्हें भी मिला। रजाक जब विजयनगर आए तब उन्हें पता चला कि यहाँ 300 बंदरगाह हैं और विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा है कि इसे पैदल पार करने में ही 3 महीने लग जाएंगे। जब रजाक विजयनगर की राजधानी में पहुँचे, जिसे हम्पी के नाम से जाना जाता था, यहाँ पहुँचने पर रजाक को अपनी आँखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ की भव्यता और सुंदरता के बारे में लिखा है, अपनी बुक में लिखा है कि बुद्धिमान कानों ने यह कभी नहीं सुना होगा कि दुनिया में विजयनगर के समान समृद्धशाली कोई और स्थान रहा होगा, और आँख की पुतलियों ने ऐसा कोई अन्य स्थान कभी नहीं देखा होगा जो इससे ज़्यादा सुंदर रहा हो। इसी दौर में एक और यात्री विजयनगर आए थे, जिनका नाम था निकोलो कोंटी। इन्होंने भी विजयनगर की भव्यता के बारे में काफ़ी कुछ कहा है और यहाँ के हरम के बारे में भी बताया है, जहाँ पर 4000 रानियाँ रहती थी। मैं देवराय द्वितीय के बारे में बता दूं कि इस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक संगम वंश के राजा देवराय द्वितीय थे, जो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। अपने शासनकाल के अंत समय तक देवराय द्वितीय ने संपूर्ण दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और अपने साम्राज्य को समृद्धि के स्वर्णिम युग में ले जाने में सफलता पाई थी। जब रजाक देवराय द्वितीय के दरबार में पहुँचे तो उनका स्वागत किया गया और रजाक ने वहाँ के बारे में अपनी किताब में लिखा है कि राजा 40 स्तंभों वाले हॉल में बैठते थे और उनके चारों तरफ ब्राह्मण थे। राजा ने मोतियों की मालाएं पहनी हुई थी और वो लंबे कद के
युवा राजा थे। रजाक को राजा से मिलने पर उपहार के तौर पर एक चीनी पंखा, कुछ पैसे, कपूर और पान दिया गया और उन्हें रहने के लिए आवास राजा ने मुहैया महल के पास ऊंचे स्थान पर कर दिया था। वहां पर रहने की व्यवस्था के साथ साथ रजाक को रोज 2 भेड़, 4 जोड़े मुर्गियां, चावल, मक्खन और 2 सोने के सिक्के दिए जाते थे। अगर सिक्कों की बात बताऊं तो उस समय विजयनगर में 5 तरीके के सिक्के बनते थे, जिसमें एक था वराह, प्रतापा, पनम। ये तीनों सोने के सिक्के होते थे और चांदी से बने सिक्के को तर कहते थे और तांबे से बने सिक्के को जीतल कहा जाता था। समय बीतने के साथ साथ राजा और रजाक में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने का काफ़ी समय भी मिला। रजाक को जो भी जानकारी मिली उसने अपनी किताब मतला उस सदैव और मजमा उल बहरीन में लिखा। इन किताब में जमोरिन के कालीकट बंदरगाह, वहाँ के जीवन और घटनाओं के बारे में भी वर्णन किया और विजयनगर के भव्य और प्राचीन शहरों के राजा का प्रशासन व्यवस्था, संस्कृति, संपत्ति, व्यापार की शैली और जो जहाज़ों से होते थे व्यापार, रहन सहन और यहाँ के सभी प्रकार के भव्य महलों और मंदिरों के बारे में वर्णन किया। रजाक ने वहाँ के नगर के बारे में लिखा है कि महल 7 दीवारों से घिरा हुआ होता था और दीवारों के बीच में बाजार, मंदिर, सिपाही और बगीचे होते थे। इन सभी को काफ़ी व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। फिर काफ़ी समय बीतने के बाद कुछ घटना घटी कि रजाक विजयनगर में बड़े अच्छे से तो रह रहे थे, लेकिन ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। जो राजा के अगल बगल रहने वाले सैनिक या ब्राह्मण थे उनको ये बात खटकने लगी थी और उन लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि अब्दुल रजाक मिर्ज़ा शाहरुख का राजदूत है ही नहीं। और रजाक के पास भी ये बात साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं था, ना कोई प्रमाण पत्र था कि वो मिर्ज़ा शाहरुख का ही राजदूत है। ये बात फैलते फैलते धीरे धीरे राजा देवराय द्वितीय तक पहुंच गई, जिसके कारण उनको भी ये बात विश्वास हो गया कि ये मिर्ज़ा शाहरुख का राजदूत नहीं है। तो इस कारण रजाक को वहाँ से जाना पड़ा। रजाक होनोवर एक स्थान है, वहाँ से अपने घर की ओर निकल गए। रजाक जब अपने राजा मिर्ज़ा शाहरुख के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने इस घटना का वर्णन किया और बताया कि उन्हें संदेह हो गया था कि मैं आपका राजदूत नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ से भेज दिया वापस। ये बात सुनकर मिर्ज़ा शाहरुख ने एक संदेश भेजा देवराज द्वितीय के लिए और उनको स्पष्ट किया कि रजाक मेरा ही राजदूत था। इस यात्रा के बाद रजाक के यात्रा करने का डर भी ख़त्म हो गया और इसके बाद रजाक ने कई और बड़ी बड़ी यात्राएं की और देवराय द्वितीय को भी बाद में ये जानकारी हो गई थी कि रजाक सही थे और वो मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत थे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अब्दुल रजाक के बारे में, जो एक पर्शियन राजदूत थे या कह सकते हैं ट्रैवलर थे, जो भारत आए थे और देवराय द्वितीय के दरबार में कुछ समय तक व्यतीत किए थे और वहाँ के भव्यता के बारे में उन्होंने पुस्तक भी लिखी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।